वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशर सैजिटेरियस सैजिटेरियस कैसे हैं आप लोग आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे सैजिटेरियस और ये आपकी रीडिंग है करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या थे आई डोंट नो यू you नो know, जिसके लिए भी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस है आपका क्रश हो सकता है आप uh, का रिलेशनशिप हो सकता है आपके स्पाउस हो सकते हैं वो पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली exactly क्या फ़ील कर रहे हैं हम बहुत ही अलग अलग चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए फ़ीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और एक्शंस क्या हैं आपके लिए ओके okay? और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं आपके इमोशंस क्या हैं आपके इमोशंस वर्सेस आपके पर्सन के इमोशंस और आप दोनों की एनर्जीज़ मिल किस रियालिटी को क्रिएट कर रही हैं सजिटेरियस तो हम इस कनेक्शन का थोड़ा बहुत फ्यूचर भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए मैसेजेस क्या है ये सारी चीज़ें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रडिक्शन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड रिलेट करें बट येस yes, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो आपसे रिलेटेड है और बहुत सारे मैसेजेस भी आपको जानने को मिलेंगे सो ओनली टेक वर्ट रेजन आपकी साइड से आया है सेवन ऑफ कप्स आपके पर्सन की साइड से आया किंग ऑफ वांस ओ माय गॉड आप अपने पर्सन की एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट दिख रहे हैं तो ये आप हैं किंग ऑफ वांस कौन है सैजिटेरियस या आपकी एनर्जी है ये आपके पर्सन का साइड है और ये आपका साइड है तो आप ऑलरेडी आपके पर्सन की लाइफ में दिख रहे हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने के लिए कि आप के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आपकी आप इनकी एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट हैं सैजिटेरियस ओके और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कई बार एनर्जीज इंटरचेंज हो जाती है स्पेशली जब आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपका साइड हो ये आपके पर्सन का साइड हो तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा तो यहाँ पर जो पहली एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है कि आपके पर्सन आप आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपसे रिलेटेड ऑन द अदर हैंड आप सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं मतलब कि आप थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और आप बहुत ज़्यादा श्योर sure नहीं है कि ये पर्सन क्या चाहता है आपसे और शायद ये पर्सन आपको मिक्स्ड सिग्नल दे रहा हो या फिर ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है ये आपके दिमाग का पर्सनल आपके दिमाग का कन्फ्यूजन हो इस पर्सन से कोई रिलेशन नहीं हो इस कन्फ्यूजन का हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों दो लोगों में दो सिचुएशंस में बट ये पर्सन श्योर sure है बिकॉज़ यहाँ पे किंग ऑफ वान्स आया था यहाँ पे फायर आपकी एनर्जी दिख रही है और ये एस ऑफ वान्स आए को और वान का कार्ड है फायर का कार्ड है और ये आपके साथ में कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं या फिर आपके साथ में कोई कनेक्शन uh, क्रिएट करना चाहते हैं कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली देखता है सैजिटेरियस और आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और uh, इस पर्सन को आपसे बात करना पसंद है पैशन दिख रहा है uh, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी दिख रहा है इस पर्सन की साइट से आपके लिए आपका जो दूसरा कार्ड है वो थ्री ऑफ कप्स का है ओके आप भी इस पर्सन की कंपनी को इन्जॉय करते हैं आपको इस पर्सन से बात करना पसंद है मिलना पसंद है हो सकता है कि आप लोग सेम सर्कल का पार्ट हो हो सकता है कि आप लोग साथ में हैंग आउट करते हो आपके कॉमन फ्रेंड्स हो या फिर जिस तरीके से आप मिले हैं वहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व हो यू नो मतलब एक ग्रुप हो सकता है आप लोगों का या फिर आप जैसे इस पर्सन से मिले हो तो किसी और जान पहचान के थ्रू या इक्विंटिस् के थ्रू आप मिले हो ये भी पॉसिबल है तो यहाँ पर ये पर्सन आप भी इस पर्सन की कंपनी को इन्जॉय करते हैं आपको पसंद है इस पर्सन के साथ में रहना बातें करना और सब कुछ ओके और यहाँ पर ये इस पर्सन की दिल तो है तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि ये आप में इंटरेस्टेड हो बट आप किसी और कनेक्शन में हो क्योंकि यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है कोई टॉक्सिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड हो क्योंकि यहाँ पे डबल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है तो कुछ यहाँ पे टॉक्सिसिटी है कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसीलिए हो सकता है आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हों और यहाँ पे टावर आया है टावर बता रहे हैं कि रिसेंट में आ, कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं आपके इस पर्सन के साथ कनेक्शन में हो सकता है स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चल रहा हो स्टार्टिंग में आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद आया हो बट उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि आपको रियलाइज़ हुआ हो कि शायद आ, मुझे इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए मतलब जिस तरीके से आप सोच रहे थे कि कनेक्शन आगे जाएगा हो सकता है कुछ ऐसी आपको चीज़ें पता चली हो जिसके बाद आपने डिसाइड किया हो कि ये चीज़ शायद से वर्कआउट नहीं करेगी इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज भी फील कर रहे थे इवन दो आप इस पर्सन की कंपनी को एंजॉय करते हैं आपको ये पर्सन पसंद है बट उसके बाद भी यहाँ पर कुछ टावर मूवमेंट आया है हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी दोनों की लाइफ में हुए हों रिगार्डलेस ऑफ आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं पर ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हों जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा दूर जाना पड़ा हो या फिर थोड़ा सा डिटैच होना पड़ा हो बेसिकली आप थोड़ा सा इस पर्सन से डिटैच होते हुए दिख रहे हो सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपने थोड़ी सी बात करना कम कर दी इस पर्सन से ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है और इसका रीज़न ये डेविल एनर्जी हो सकती है जो आपके पर्सन की साइड पे दिख रही है ओके okay? उसके बाद में यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल टेन ऑफ पेंटिकल बता रहे कि पर्सन हो सकता है कि अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हो या फिर अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हो या फिर इस पर्सन के ऊपर अपनी फ़ैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर किसी और पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली दिख रही है और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस फैमिली का पार्ट हो यू नो आपके स्पाउस हो या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ हो ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल यही बताता है यू नो फैमिली फ़ैमिली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है चाहे आप इस पर्सन की फ़ैमिली हो या फिर कोई और इस पर्सन की फ़ैमिली हो तो यहाँ पे जो डेविल एनर्जी है ये फैमिली से रिलेटेड लोग भी हो सकते हैं जो आपके कनेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हूँ या फिर यू you नो know, आपको एक ऐसा डिसीज़न लेने पे मजबूर कर रहे हो कि आप थोड़ा सा डिटैच हों इस पर्सन से उसके बाद यहाँ पे जजमेंट है जजमेंट बता रहे हैं कि जो ये टावर कोलैप्स हुआ है उसके बाद में आप इस कनेक्शन में सेकंड चांस सीख कर रहे हैं अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो शायद आप आ, 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 ये चाहते हैं कि पर्सन फिर से आपके आपसे आके बात करें जो चीज़ें आप लोगों के बीच में गड़बड़ हुई है उसे ये पर्सन सुधारे और आ, यू you नो know, आप बेसिकली ये जो टावर कोलाप्स हुआ है इस टावर को रीबिल्ड करना चाहते हैं जो प्रॉब्लम्स आई हैं उस प्रॉब्लम से निकल के आप चाहते हैं कि एक न्यू बिगनिंग हो बट मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आपको कंफ्यूज देख रही हूँ तो आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो कि ये सेकंड चांस मिलेगा या नहीं इस कनेक्शन में या फिर आप श्योर नहीं है कि चीज़ें वापस से ठीक होंगी या नहीं आप लोगों के बीच में क्योंकि फॉर श्योर कुछ ख़राब तो हुआ है यहाँ पर फोर ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है और यहाँ पर ओके आप दोनों की एनर्जीज के बीच में मेजर मैं आपको डिफरेंस बताती हूं सेजिटेरियस आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है नहीं आपकी जो एनर्जी है वो एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है मतलब कि आप एफर्ट लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन पे आप वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं आप शायद कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे कि आपका कनेक्शन बेहतर हो सके इस पर्सन के साथ में सैजिटेरियस बट यहाँ पर यह पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में दिख रहा है ये पर्सन हीलिंग मोड में भी दिख रहा है और नो एक्शन मोड में भी दिख रहा है मतलब ये पर्सन अभी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं शायद से सेवन ऑफ शॉट्स बताता है फोर ऑफ़ शॉर्ट्स बताता है कि सारी शॉट्स को साइड में रख दिया है सारे एफर्ट्स को साइड में रख दिया है और ये पर्सन रेस्ट कर रहा है मतलब कोई भी एक्शन अभी नहीं ले रहा है और यहाँ पर आप क्लियरली एक्शन लेते हुए दिख रहे हो तो ये एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी में कि आप एफर्ट लगा रहे हो ये पर्सन एफर्ट नहीं लगा रहा है कई बार फोर ऑफ शॉर्ट्स हीलिंग के टाइम पे भी आता है कि जब आ, कोई पर्सन किसी हार्ट ब्रेक से गुजरा होता है या फिर परेशानी से गुजरा होता है उसके बाद वो रेस्ट कर रहा होता है उस प्रॉब्लम उस से एक ब्रेक ले रहा होता है तो आ, ऐसी भी कुछ आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं दूसरा कार्ड इस पर्सन का है नाइट ऑफ सॉर्ट्स का और आपका है द मजिशन का आपके साइड पर मजिशन आया है तो मजिशन सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट शायद से इस पर्सन को करने की कोशिश कर रहे हैं अगेन uh, इस कनेक्शन के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं या फिर कई बार मैजिशियन सम केसेस में मैन्यूपलेशन भी बताता है और मैन्यूपलेशन नॉट एक्जैक्टली इन अ बैड सेंस पर हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे कि ये पर्सन आपको अटेंशन दे और इन्हो uh, you know, आप इस पर्सन को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों से या फिर अपनी एक्टिविटी से और uh, आप इनकी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये पर्सन आपको रिस्पोंड करे। शायद आप कुछ पोस्ट डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। इस पर्सन के लिए यू you नो know, बहुत ही मल्टीपल चीज़ें हो सकती है तो बेसिकली आप अपनी बातों से या एक्टिविटी से इस पर्सन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहा है या फिर गुस्से में दिख रहा है तो ये पर्सन किसी चीज़ की वजह से आपसे नाराज़ है या फिर थोड़ा सा इरिटेटेड है आपसे इनकी बहुत ही अनोइंग एनर्जी दिख रही है तो हो सकता है कि ये ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि इस पर्सन का इंटेंशन आपके लिए ख़राब हो बेसिकली नाइट ऑफ शॉर्ट्स बताता है कि इस पर्सन को किसी बात की नाराज़गी है या फिर किसी बात का गुस्सा आ रहा है आपकी तरफ तो कुछ नाराज़गी या गुस्सा है और यहाँ पे थोड़ा सा प्यार भी है थोड़ा नहीं काफ़ी प्यार है <laughs> तो नाइट ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है और नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स बता रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स अभी भी रखते हैं या फिर इनके इमोशंस अभी भी हैं आपकी तरफ साजिटेरियल्स नाइट ऑफ कप्स आया है तो जिस तरीके से इनको गुस्सा आ रहा था उसी तरीके से इस पर्सन को आप पे प्यार भी आ रहा है और आई डोंट नो वट टू से बट येस उसके बाद आपकी साइड से नाइट ऑफ वांस आया है ओके आपको लगता है पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है इनकसिस्टेंट um, uh, मतलब कि ये पर्सन कभी आ जाता है ये पर्सन कभी चला जाता है आप लोगों के बीच में फायर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है और तीन यहाँ पे दो नाइट हैं तीसरा नाइट आपकी साइड से आ गया है फायर वाला तो हो सकता है आपको लगता हो ये पर्सन इनकन्सिस्टेंट है कभी कभी ये आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है कभी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है एट द सेम टाइम नाइट नाइडो फांस ये भी बता रहे कि आप बहुत ही पैशनेटली इस पर्सन के टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं आपके अंदर वो पैशन दिख रहा है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है इस पर्सन के साथ में नाइट ऑफ वान से बट यहाँ पे आई डोंट नो किसकी साइड से ऐसा हो रहा है सजिटेरियल uh, बट कोई एक पर्सन है जो इनकन्सटेंट है इस कनेक्शन में मतलब कि लगातार एफर्ट नहीं लगाता है बार बार आने और जाने की एनर्जी है कि कभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देना कभी कम इम्पॉर्टेंट देना या आप भी हो सकते हैं या आपका पर्सन भी हो सकता है उसके बाद यहाँ पे द सन की एनर्जी है द सन की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है जो पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस आप इस पर्सन की लाइफ में लेके आते हैं तो ये पर्सन खुश रहते हैं जब आपसे बातें करते हैं ये पर्सन खुश रहते हैं जब आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो ठीक है मोस्टली अच्छी चल रही होती हैं तब तब की बात मैं आपको बताती हूँ बता रही हूँ तो यहाँ पे जो सन है ये पॉजिटिविटी बता रहा है जो आप लोगों की आपस में है ये पॉजिटिविटी है आपसे मिलने की आपसे बात करने की आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की मतलब ये पॉजिटिविटी uh, ऐसी है कि यू लाइट अप देयर वर्ल्ड मतलब इवन दो ये पर्सन आपसे थोड़ा नाराज़ दिख रहा है बट uh, इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है कि आप इनकी लाइफ में रहते हैं तो इन्हें लाइफ अच्छी लगती है पॉजिटिव लगती है या फिर आप किसी टाइप की हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट इनकी लाइफ में लेके आते हैं और ये चीज़ हमने आपकी साइड से भी थ्री ऑफ कप से देखी थी कि आप इस पर्सन की कंपनी को इन्जॉय करते हैं तो वो साथ में जो मिलने वाला बातें करने वाली एनर्जीज़ हैं वो आप दोनों बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यू बोथ आर यू नो यू बोथ लाइक ईच अदर ये तो मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी दे सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे की कंपनी को पसंद करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपकी साइड से सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जजमेंट की एनर्जी जैसी है आप वापस से रिटर्न में वो चीज़ें चाहते हैं जो आपकी इस पर्सन के साथ में हैं सिक्स ऑफ कप्स बता रहा है कि आप uh, यू you नो know, कुछ चीज़ वापस से चाहते हैं जो पहले आप दोनों की लाइफ में एग्जिस्ट किया करती थी तो अगर आप नो no कॉन्टैक्ट में हैं तो हो सकता है आप रिकनसिलेशन चाहते हो आपकी बातें नहीं हो रही है तो हो सकता है आप चाहते हो कि बातें करें आपके पर्सन आपसे अगर नाराज़ हैं तो आप चाह रहे हो कि नाराज़गी दूर हो इस पर्सन की तो ऑफ कब्ज तब आता है जब कोई पर्सन पास्ट का रिटर्न आ रहा होता है और क्योंकि आपकी फीलिंग्स है तो आप चाहते हैं कि पर्सन रिटर्न में पहले की तरह बिहेव करें आपके साथ नॉट जस्ट आपकी लाइफ में आए जैसे आप लोग पहले रहते थे वैसा आ, आप आ, ये आपके साथ बिहेव करें ऐसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाह रहे हो उसके बाद यहाँ पे डेथ की एनर्जी है आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच बीच में बदल चुकी हैं बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं कुछ चीज़ें ख़त्म भी हुई हैं और अभी इस पर्सन को लगता है कि अब ये डेथ के पॉइंट से वापस से चीज़ से ठीक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस पर्सन को ऐसी भी फीलिंग आ सकती है कि शायद अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है या फिर अब चीज़ों को ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो एक सेंस ऑफ कम्पलीशन इस पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि चीज़ें शायद ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें शायद एंड हो चुकी हैं और अब फिर से शुरू करना मुश्किल होगा चीज़ों को और आपकी साइड से नाइन ऑफ कप्स है आपको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में रहता है तो आप इमोशनली बहुत ही बढ़िया फील करते हैं आ, बहुत ही ज़्यादा यू नो इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है आपकी साइड पे बहुत सारे कप्स आए हैं पर्सन की साइड पे भी कप आया है बट आपकी साइड से भी कप्स आए हैं जो कि एक इमोशनल अटैचमेंट आपका इस पर्सन के साथ बता रहे हैं आप हो सकता है कि ऐसा भी सोचते हो कि पर्सन मेरा विश है और ये पर्सन मेरी प्रेयर्स में है बिकॉज ऐसा दिख रहा था कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं बट इस पर्सन की साइड से ऐसा लग रहा है इस पर्सन को मुश्किल लग रहा है कि चीज़ें अब चेंज होगी इवन तो एस ऑफ वांस हमने देखा था एस ऑफ वांस बता रहा था कि ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट एट द सेम टाइम इन्हें ऐसा लगता है कि अब चीज़ें पहले की तरह होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ओके तो यहाँ पे को कॉर्ड कटिंग यहाँ पे दिख रही है कुछ कॉर्ड कटिंग हुई है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी मेजर चीज़ें हुई हैं कि अब यू नो कॉर्ड कट हो चुकी है वो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो पहले जैसी अब बात नहीं बची है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के कनेक्शन में जिन्हों जिस चीज जिन चीज़ों ने परमानेंटली डैमेज किया है आपके कनेक्शन को बट स्टिल आप यहाँ पे बहुत होपफुल हैं उसके बाद यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और आपकी साइड से क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके पर्सन की साइड से ये बता रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट लगाए हैं इस कनेक्शन पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने uh, पूरी हंड्रेड परसेंट कोशिश की है कि ये कनेक्शन वर्कआउट करें इन्होंने अपनी एनर्जी लगाई है अपना टाइम लगाया है और बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन को और ये इस पर्सन को रियलाइजेशन है हो सकता है इस पर्सन को लगता हो कि मैंने तो पूरा हंड्रेड परसेंट ट्राई किया है हमेशा मैंने तो अपना हमेशा हंड्रेड परसेंट दिया है मैंने तो हमेशा अपने एफर्ट लगाए ऐसा ये पर्सन सोचते हैं इस कनेक्शन के लिए और आपकी साइड से क्वीन ऑफ शॉर्ट्स आया है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स अक्सर थर्ड पार्टी सिटन बताता है तो अगेन कोई थर्ड पार्टी एनर्जी हो सकती है जो आपकी फीलिंग्स में आई है सजिटेरियस यहाँ पे तो अगेन यू नो कोई फैमिली मेंबर हो सकता है बिकॉज हमने यहाँ पे डेवल देखा था तो uh, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन uh, हो सकता है जो इंटरफेयर कर रहा हो आपकी इस विश में एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ये भी बताता है कि आपको हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि ये पर्सन थोड़ा सा रूड हो गया है आपके साथ में या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीज़न ले रहा है ये पर्सन इमोशंस से नहीं सोच रहा है यू you नो know, तो कुछ सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी है आप दोनों के कनेक्शन में कि कुछ किसी ने कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए हैं इमोशंस के साथ डिसीज़न नहीं लिए हैं और वो चीज़ हो सकता है कि आपको बॉदर कर रही हो बट एट द सेम टाइम ओ माई गॉड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ शॉर्ट्स है यहाँ पर यहाँ पे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है किंग ऑफ शॉर्ट्स है आपकी रीसेंट एनकाउंटर हो सकता है कि ऐसे हुए हूँ जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही हार्श बातें की हो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया हो या फिर बहुत ही प्रैक्टिकल बातें की हो बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स और क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जब लोगों से बात करते हैं तो अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं अक्सर हाइड करके रखते हैं और ये एनर्जी आप में भी दिख रही है और आपके पर्सन में भी दिख रही है तो यहाँ पे एक्चुअली uh, यू नो इमोशंस के साथ में हो सकता है अब आप लोग बातें नहीं करते बहुत ही फॉर्मल बातें आपकी होती हूँ एक दूसरे के साथ में hmm. uh, यहाँ पे द मून है और uh, देखिए नाइट ऑफ शॉर्ट्स आपकी साइड से भी आया है नाइट ऑफ शॉर्ट्स आपके पर्सन की साइड से भी आया था क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आपके साइड से भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सॉर्ट्स आपके पर्सन की साइड से भी आया है बहुत ज्यादा एनर्जी आप एक दूसरे की मिरर कर रहे हो मतलब इक्वल नाराजगी एक दूसरे से दिख रही है प्रैक्टिकल बातें होते हुए दिख रही हैं यू नो एक दूसरे के सामने ऐसा आ, शो करना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता सो so, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो द मून का आया है द uh, मून बता रहे कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता आगे क्या होगा मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर है कि नहीं मुझे नहीं पता मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं सो so, ये मुझे नहीं पता वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन को नहीं पता कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो कोई रियल एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं एट द सेम टाइम यहाँ पे द मून की एन, एनर्जी इल्यूजन भी बता रही है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबल हो कि आप दोनों के बीच में कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हों या फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग वाले इशूज हों कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को Uh, यहाँ पे इल्यूजन बहुत ज़्यादा है जो चीज़ जैसी है वैसी ये पर्सन देख नहीं पा रहा है और इस पर्सन के दिमाग में इल्यूजन है इल्यूजन अच्छे भी हो सकते हैं इल्यूजन ख़राब भी हो सकते हैं तो uh, हो सकता है पर्सन आपको गलत समझ रहे हो किसी चीज़ के लिए uh, हो सकता है ये रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं बट एक चीज़ श्योर है कि इस पर्सन को अभी पता नहीं है कि आप दोनों के कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या नहीं है और आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑफ वान्स है थ्री ऑफ वान्स वेटिंग की एनर्जी होती है तो ये पर्सन इस कनेक्शन में आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं बट ये किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं और यस वेट कर रहे हैं ये पर्सन आप ओके okay, यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे बातें छुपाता है आपको लगता है कि पर्सन आपसे झूठ बोलता है आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्नीकी है और uh, इसने आपके साथ सही नहीं किया ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और uh, ये सारी चीज़ें इमोशन् फील कर रहे हो उस पर्सन के लिए उसके बाद यहाँ पे द हर्मिट है बेसिकली द हर्मिट यहाँ पे आके ये बता रहा है कि आपके पर्सन लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले अकेले रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा सॉलीट्यूड में रह रहे हैं आ, किसी से भी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं हर्मिट की एनर्जी एकांत में रहने की एनर्जी होती है हर्मिट की एनर्जी आइसोलेशन में रहने की एनर्जी होती है तो अभी हो सकता है या तो ये अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर अभी जनरली इंटरेस्टेड uh, नहीं है ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने में ज़्यादा लोगों से मिलने में रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इस पर्सन का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आपकी साइड से ऑफ वांस की एनर्जी है ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रही है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं इस पर्सन के साथ शायद आप इस पर्सन को अपना सोलमेट समझते हैं या फिर ये इलेवन एलेवन की एनर्जी कई बार ट्विन फ्लेम जर्नी भी बताती है तो आप ऐसा फील करते हैं कि यही आपके लिए राइट पर्सन है या फिर यही आपके लिए राइट पार्टनर है बट ये पर्सन हर की एनर्जी में दिख रहा है हर की एनर्जी ये भी बता रही है कि ये पर्सन डिटैच है अभी आपसे ओके okay? तो यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की साइड से मतलब एक्चुअली uh, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं ओ माई गॉड माइक ड्रॉप मूवमेंट <laughs> आपको समझ में आ रहा है माइक ड्रॉप मूवमेंट क्यों आया है ये देखिए यहाँ पे फोर ऑफ़ वान्स है और यहाँ पे फोर ऑफ़ वांस है या तो आप लोग बहुत ही स्ट्रॉग कनेक्शन में रहे हैं या तो आप लोग मैरिड हैं या फिर ये जो सेंस ऑफ सेंस ऑफ कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है वो दोनों साइड से दिख रहा है मुझे तो या तो आप लोग एक्चुअली मैरिड हैं इसीलिए कार्ड आया है आप लोगों की लंबी हिस्ट्री रही है या फिर आप दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं कुछ तो यहाँ पर है ओके okay. तो इस पर्सन की साइड से भी फोर ऑफ वांस है आपकी साइड से भी फोर ऑफ वांस है यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है थ्री ऑफ पेंटिकल रियल एक्शन लेना बताता है जब भी पेंटिकल आते हैं तो हमें समझ में आते है कि ये पर्सन रियल एक्शन लेना चाहता है आपकी साइड से जैसे ये यह पेंटिकल यहाँ पे भी आया था जब आप uh, इस कनेक्शन पे मेहनत कर रहे थे ये पेंटिकल अभी भी आया है जब आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है ये टावर गिरना है और ये टावर को वापस से बिल्ड करना है ये रिलेशनशिप ख़त्म होना है और ये रिलेशनशिप की नींव वापस से रखना है तो आप चाह रहे हैं कि जो गड़बड़ हुई है आपके कनेक्शन में वो ठीक हो जाए आप इस कनेक्शन को रीबिल्ड करें राइट ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन हर की एनर्जी में दिख रहा था यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपने जितना किया है इस पर्सन के लिए उतना कोई भी नहीं कर सकता है यू you नो know? आपने शायद सपोर्ट किया है इस पर्सन को बुरे टाइम पे हेल्प की है इस पर्सन की ध्यान रखा है इस पर्सन को प्यार दिया है और केयर की है अब यहाँ पे टू ऑफ़ शॉर्ट्स की एनर्जी है टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आपकी तरफ से आके ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए आगे आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि शायद से ये पर्सन आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है शायद से आप क्योंकि आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और आपके सामने दो रास्ते हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से रास्ते पे आपको जाना है सैजिटेरियस ओके okay? और ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है पेजेस की एनर्जी में देखिए मैं आपको बता रही थी अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं आपको ये बता रही थी कि जब पेंटिकल आते हैं तो अक्सर अक्सर पेंटिकल के कार्ड्स एक्शन सॉलिड एक्शन लेना बताते हैं नो कि एक्शन ले रहे हो आप जैसे आपकी साइड से आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो आपकी साइड से आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो अब इस पर्सन की साइड से भी पेंटिकल आया है बट ये पेंटिकल पेज के फॉर्म में आया है पेज के फॉर्म में पेंटिकल आना मतलब सबसे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ पेंटिकल मतलब ये आ, ये थोड़ा सा एफर्ट लगाना थोड़ी सी बात करना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना ऐसी वाली चीज़ हो सकती है तो हो सकता है आपकी पर्सन एवरी नाव इन देन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपना वापस से आप में दिखाते हो अगर कोई टावर को हुआ है तो और थोड़ा थोड़ा सा यू you नो know, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे से एक्शन ले रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंडिकल की एनर्जी है पर्सन वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन हो सकता है क्योंकि वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपकी एनर्जी फील्ड में कन्या राशि है यहाँ पर टोरस वृशिक राशि एंड कैप्रिकॉन इज मकर राशि तो यहाँ पे आ, या तो आप किसी वर्गो टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर ये पेंटिकल इसीलिए आया है क्योंकि आप इस पर्सन के साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं लॉन्ग टर्म चाहते हैं आप थोड़ा अकेलापन महसूस कर रहे हैं अभी थोड़ा सा आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं और देखना चाहती हूँ कि आपकी पर्सन किस जगह पे ओ माई गॉड आपके पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड क्या है अपनी लव लाइफ को लेके और आपका स्टेट ऑफ माइंड भी देखते हैं हम फिर हम फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकालेंगे ओके आ, आ, okay, आप यहाँ पे चिल्ड्रन दिख रहे हैं बच्चे दिख रहे हैं बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है आ... Uh, इस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली पे अपनी फोकस हो नॉट नेसेसरी इनके बच्चे हों बट फैमिली एज इन अल्टीमेट इनकी पूरी फैमिली हो सकती है एट द सेम टाइम जो भी आप दोनों के कनेक्शन में इश्यूज़ आ रहे हो जैसे अगर इस पर्सन को कमिटमेंट इशू है अगर इस पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ है अगर इस पर्सन को अबैंडमेंट ई है तो हो सकता है ये इनके चाइल्ड हुड ट्रामाज की वजह से हो तो समहाव इनकी जो चाइल्ड हुड ट्रामाज हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं आ, इनकी लव लाइफ पे अब ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है आपको नहीं हो सकता इसके लिए समझ में आया हो कि मैं क्या बोल रही हूँ बट इनके जो बचपन के बिलीफ सिस्टम हैं या फिर इनके पास रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं वो इस कनेक्शन में हो सकता है बहुत बार रिफ्लेक्ट करते हूं आपकी साइड से सोलमेट आया है आपको हंड्रेड परसेंट पता है कि पर्सन आपका सोलमेट है विदाउट एनी डाउट दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेड सम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप ही उनके अल्टीमेट सोलमेट हैं जैसा आपको लगता है वैसे ही इस पर्सन को भी समहव ऐसा लगता है uh, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप ही हैं जिनके साथ ये ज़िंदगी बिताएंगे शायद लगता है पर शायद है बीच में बहुत बड़ा तो इस पर्सन को लगता है कि शायद मुझे सैजिटेरियस या इसी पर्सन के साथ रहना है आप कोई भी पर्सन हो सकते हो आई डोंट नो एक्सप्रेस योर लव गो एंड ओके आपका मन है अपना प्यार एक्सप्रेस करने का आपका बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का तो आप एकदम रेडी हैं आपको आप हंड्रेड परसेंट श्योर हैं आपको पता है कि यही मेरा सोलमेट है और इस पर्सन के साथ में बहुत सारे इशूज़ दिख रहे हैं चाइल्ड हुड इशूज़ हो सकते हैं फैमिली इशूज़ हो सकते हैं बट इस चीज़ का ग्लिम्स इस पर्सन को भी है कि आप परफेक्ट पार्टनर हैं ओके okay, यहाँ पे स्टॉप फोक ओके मैं आपको सीधे आपको मीनिंग बताती हूँ यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा आप दोनों के पास्ट में फोकस कर रहे हैं पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सम हाउ जो पास्ट है वो इनके करंट लव लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है तो चाहे वो पास्ट आपके साथ हो चाहे वो पास्ट किसी और के साथ हो ओके okay. आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन में बिल्कुल भी आपको पता है कि आपको क्या चाहिए इवन तो मुझे आप यहाँ पे कंफ्यूज लग रहे थे बट डीप डाउन आपको लगता है कि मुझे यही पर्सन चाहिए यहाँ पे फ्रीडम है यहाँ पे फॉरगिवनेस है इस पर्सन के लाइफ लेसन से कुछ जो इस पर्सन को सीखना है और ये लाइफ लेसन मोस्टली अपने पास्ट से कैसे निकलना है अपने पास्ट के ट्रॉमास को कैसे हील करना है उन सारी चीजों पे आपके पर्सन की लाइफ लेसन्स बेस्ड दिख रहे हैं आप फ्यूचर देखते हैं आप दोनों का ओके फोर ऑफ इतनी बार आया है आपकी रीडिंग के लिए में मतलब एक बार आपकी साइड से फोर ऑफ़ वान्स आया था एक बार इस पर्सन की साइड से फोर ऑफ़ वान्स आया था यहाँ पे फिर से फोर ऑफ़ वांस आया है क्वीन ऑफ कप्स आया है बहुत आप लोग सोलमेट एनर्जी में दिख रहे हो आप लोग की दोनों की साइड से बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं द फुल न्यू बिगनिंग्स बताता है तो फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन में फॉर श्योर ओ माई गॉड यू गाइज सो so, ओके okay, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन आपका फ्यूचर में भी दिख रहा है फ्यूचर में दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे को एज ए सोलमेट या लाइफ पार्टनर रिकग्नाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है ये क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स आप दोनों की सिनर्जी बता रहा है आप दोनों इमोशनली एक दूसरे से फ्यूचर में अटैच दिख रहे हैं यहाँ पे द फूल की एनर्जी है फूल की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स बताती है बट यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस भी हो सकता है आपकी लव लाइफ में फ्यूचर में यहाँ पे आ, क्योंकि कोई और भी पर्सन दिख रहा है ये आप दोनों हैं यहाँ पे कोई और पर्सन दिख रहा है चाहे ये कोई भी साइन हो के okay? तो यहाँ पर फ्यूचर आप दोनों का अच्छा दिख रहा है फ्यूचर में आप दोनों सेम चीज़ें फील करते हुए दिख रहे हो फ्यूचर में न्यू बिगनिंग्स भी दिख रही हैं बट जो इंटरफेरेंस आपकी लव लाइफ में चल रहा है वो फ्यूचर में भी दिख रहा है मुझे ओके तो यहाँ पे फ्यूचर में कुछ अच्छा सा हो सकता है ओमाई oh गॉड ये कोई सोल कनेक्शन है फॉर श्योर sure, ये कोई सोलमेट वाला कनेक्शन है साजिटेरियर्स दिस इज नॉट समथिंग जो ये ये कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल है ओके गोल्स प्रोग्रेस प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड यहाँ पे गोल्स का कार्ड बता रहे हैं कि जो आपके लव लाइफ के गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाएंगे यूनिकॉन सक्सेस हो फ्रीडम हीलिंग एंड मैजिक आर ऑल अवेलेबल टू यू इफ़ यू जस्ट बिलीव ओके यहाँ पे यूनिकॉर्न का कार्ड बता रहे जितना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे उतना आप जो चाहते हैं आप, आपकी लव लाइफ में वो होगा ये थर्टी थ्री नंबर का कार्ड है अगर आप यू you नो know, आपको थर्टी थ्री थर्टी थ्री दिख रहा है हर जगह तो आप मैसेज है और यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा ओके okay? तो आप दोनों में से किसी एक को हील करने की ज़रूरत है और आप दोनों में से कोई एक हीलिंग जर्नी पे है अभी फ्लावर्स बी जेनरस सक्सेस एंड इमोशनल इमोशनल फुलफ़िलमेंट आर योर्स ओके फ्लावर्स का कार्ड है एलेवन नंबर का कार्ड जो कि ये बता रहा है आप जितने जेनरस रहेंगे जितना आप सोसाइटी या ह्यूमैनिटी या लोगों के लिए करेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी लव लाइफ में आएगी ओ माई गॉड प्यार दीजिए यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ आप रेडी हैं सेलिब्रेशन के लिए आप रेडी हैं नई चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए या मैनीफेस्ट करने के लिए तो कुछ न्यू एनर्जीज भी आपकी लव लाइफ़ में आ सकती हैं अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है तो मुझे फ्यूचर में होप दिख रही है टू बी ऑनेस्ट बट स्टिल विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगले कुछ महीने इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी लव लाइफ के लिए हेल्पफुल पीपल कुछ लोग हैं जो आपको आपकी लव लाइफ में हेल्प करते हुए दिख रहे हैं उसके बाद में नो नीड टू वरी चिंता करने की कोई बात नहीं है आस्क योर एंजल्स अगर आप कंफ्यूज होते हैं अगर आप अपनी लव लाइफ़ में परेशान होते हैं सजिटेरियाज़ तो यूनिवर्स से हेल्प मांगिए आपके गार्जियन एंजल्स से हेल्प मांगिए यहाँ पे ना आपकी कोई हेल्प करते हुए दिख रहा है आपकी लव लाइफ़ में वो डिवाइन भी हो सकते हैं आपकी स्परिचुल टीम भी हो सकती है मैं आपको अल्फेबेट्स बताती हूँ आपको आपके पर्सन के नाम का अल्फाबेट मिल सकता है आपके नाम का अल्फाबेट मिल सकता है या फिर पूरा नाम भी मिल सकता है आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं तो ये इतनी ईजिली टूटेगा नहीं कनेक्शन आपका वी हैव द लेटर ई एंड आर एंड यू एंड एस एंड जी एंड ई एल डब्ल्यू A, U S C M एंड एच तो ये सारे लेटर्स हैं आपको आपका नाम मिल सकता है आपके पर्सन का नाम मिल सकता है आपके नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है और अपने आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर मिल सकता है ओके okay? तो दिस इज़ इट्स एजिटेरियस रीडिंग्स अगर कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा आई एल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय